गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे चेक कॉन्स्टेंट के बारे में। एसक्यूएल हम लगाते हैं और डाटा इंसर्ट करने के समय अगर हम उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर डाटा इंसर्ट टेबल के अंदर नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट। मैंने बताया था कॉन्स्टेंट को दो तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक हमारा होता है कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट और दूसरा होता है टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट। कॉलम लेवल कॉन्स्ट्रेंट किसी एक पार्टिकुलर कॉलम पे ही इंप्लीमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमारा स्टूडेंट्स टेबल मैंने क्रिएट किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद रोल, डाटा टाइप, नंबर, साइज 2 और यहाँ मैंने चेक कॉन्स्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है और चेक में मैंने कंडीशन लगाया रोल ग्रेटर देन 0। मतलब अब जब हम रोल नंबर इनपुट करेंगे तो वो 1 से लेगा। दूसरा, नेम में नॉट ना लगाया है। एड्रेस में फिर चेक कॉन्स्ट्रेंट का इस्तेमाल किया गया। देखिए, चेक एड्रेस इन ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पैरेंथेसिस ओपन किया है और उसके अंदर एड्रेस के साथ मैंने इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर पैरेंथेसिस के अंदर जो हमारा कंडीशन है कि सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के लोगों का ही डाटा इंसर्ट होगा और दिल्ली सिंगल कोट्स के अंदर, देखिए एसक्यूएल केस सेंसिटिव हो जाता है, तो दिल्ली का डी कैपिटल है और इसी स्पेलिंग के साथ अगर हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो डाटा इंसर्ट होगा डी कैपिटल, उसके बाद मुंबई का एम कैपिटल और स्पेलिंग यही होनी चाहिए, कोलकाता का के कैपिटल, चेन्नई का सी कैपिटल और सेम स्पेलिंग के साथ। दो पैरेंथेसिस हमने ओपन किया तो यहाँ पे इंड भी क्लोज भी करेंगे दो पैरेंथेसिस को, उसके बाद कॉमा, डेट ऑफ बर्थ में नॉट ना लगाया। फिर क्लास में चेक कॉन्स्टेंट, कॉलम लेवल चेक कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल किया गया है। चेक क्लास इन ओनली बीसीए बीबीए के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उसका डाटा इंसर्ट होगा और बीसीए बीबीए भी आपको कैपिटल लेटर के साथ लिखना होगा। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो चेक कॉन्स्टेंट आपको रोक देगा डाटा इंसर्ट करने से। तो ये हमारा टेबल लेवल कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसके बाद कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट हुआ। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे टेबल लेवल कॉन्स्टेंट लगाना। तो सबसे पहले इस टेबल को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इसलिए मैंने दिया है क्योंकि स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी मेरे लैपटॉप में क्रिएटेड है, उसमें डाटा भी इंसर्ट किया गया है तो उसको अभी मैं डिलीट करना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स टेबल बनाया है और स्टूडेंट्स टेबल पे प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपके डाटाबेस में एक से ज़्यादा, एक ही नाम का एक से ज़्यादा टेबल नहीं हो सकता है, तो एक बार जो टेबल एक नाम से बन गया तो जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक दूसरा टेबल उस नाम का हम लोग नहीं बना सकते। तो अभी हम लोग स्टूडेंट्स टेबल को पहले ड्रॉप करेंगे और फिर उसके बाद नया स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें फिर हम लोग लगाएंगे कॉन्स्ट्रेंट टेबल लेवल चेक कॉन्स्ट्रेंट। और टेबल लेवल में भी हम लोग देखते हैं नेमिंग ऑफ ए चेक कॉन्स्टेंट का, क्योंकि कॉन्स्टेंट को भी इस मेथड से लगाना चाहिए कि हम उसे हटा सकें बिना टेबल को डिलीट किए, बिना किसी कॉलम को डिलीट किए हम सिर्फ कॉन्स्टेंट को हटा सकें, इसलिए नेमिंग वाला फॉर्मूला ही आपको काम आएगा आपके वर्किंग लाइफ में। वो क्रिएट करते हैं,
एड्रेस कैप आप लोग मास्क जरूर लगाएं, काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। सीतामढ़ी में भी 950 हो चुका है। और उसके बाद है हमारा क्लास। चेक कर लेते हैं। ये हमारा टेबल लेवल कॉन्स्ट्रेंट के साथ स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट हो चुका है। और इस का प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ। क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ओपनिंग पैरेंथेसिस, रोल, डाटा टाइप नंबर, साइज 2, नेम, और इसके बाद कॉन्स्ट्रेंट मैंने नहीं लगाया। नेम कै साइज 10 कॉमा, एड्रेस कै साइज 10 कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, डाटा टाइप कै, डाटा टाइप क्लास, डाटा टाइप कै साइज 10। और यह देखिए कॉन्स्टेंट टेबल लेवल कॉन्स्टेंट कैसे लगाते हैं। कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा लिखेंगे जो हमें खुद भी याद रहे। तो CHK_student और एक क्या है, चेक कॉन्स्टेंट है। और इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे रोल ग्रेटर देन दी 0, मतलब रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा डाटा इंसर्ट करते समय। और एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हमने किया टेबल लेवल कॉन्स्टेंट लगाने के लिए, क्योंकि मोर देन 1 कॉलम्स पे जैसे ही कॉन्स्टेंट इंप्लीमेंट होता है तो टेबल लेवल कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो रोल ग्रेटर देन 0 और एंड ऑपरेटर एंड एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी। तो इससे क्या होगा कि रोल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 0 से हम अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो हमारा चेक कॉन्स्टेंट हमें रोक देगा। और एड्रेस जो है तो एड्रेस हमारा सिर्फ सीतामढ़ी के लोगों का ही डाटा इंसर्ट होगा, और सीतामढ़ी आउट ऑफ सीतामढ़ी के लोगों का डाटा इंसर्ट नहीं किया जा सकेगा इस डाटाबेस के, इस टेबल के अंदर। और ये हमारा तो हमारा क्रिएट हो गया। और इस तरह से हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं चेक कॉन्स्टेंट। तो हम लोग इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप करने के लिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉन्स्टेंट CHK_students। जस्ट अ मिनट, और जस्ट हमने जो नाम लिया है स्टूडेंट दिया है, वहां पे स्टूडेंट्स नहीं है, ड्रॉप करने में हमने स्टूडेंट लिख दिया इसलिए एरर आ गया है। फिर से इसको ड्रॉप करते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ड्रॉप, यहां से एस हटा देंगे, CHK_student, ये हमारा ड्रॉप हो गया। और फिर से अगर कॉन्स्टेंट लगाना हो तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स के थ्रू हम लोग फिर से लगा भी सकते हैं कॉन्स्टेंट। देख लीजिए अल्टर टेबल स्टूडेंट्स एड कॉन्स्टेंट CHK_students
चेक रोल ग्रेटर देन जस्ट ग्रेटर देन जीरो एंड ऑपरेटर एंड एड्रेस इक्वल टू सीतामढ़ी और ये हमारा पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं और टर्मिनेटर लगाएंगे। ए टेबल अल्टर्ड मतलब कॉन्स्टेंट को हम हटा भी सकते हैं फिर अपने जोत के मुताबिक फिर दोबारा लगा भी सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चेक कॉन्स्टेंट। तो आज आप लोग को मैंने कॉलम लेवल चेक कॉन्स्टेंट, उसके बाद टेबल लेवल चेक कॉन्स्टेंट के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने कॉन्स्टेंट को हटाना सिखाया और फिर अल्टर टेबल नेम के थ्रू कॉन्स्टेंट को जिस टेबल में कॉन्स्टेंट नहीं लगा हुआ है तो उसमें हम फिर से कॉन्स्टेंट लगाना मैंने सिखा दिया। तो एक चेक कॉन्स्टेंट का कंप्लीट ऑपरेशन हो गया कि कैसे कॉलम लेवल और चेक कॉन्स्टेंट हम टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।